हैं, जैसे कि अगर हम गूगल पे से यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं तो ये पेमेंट यहाँ पर फेल्ड हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर पे नाउ पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही पे नाउ पर हम सिंपली क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आता है यहाँ पर यूपीआई पिन डालने का ऑप्शन। तो चलिए हम यहाँ पर यूपीआई पिन एंटर कर देते हैं। उसके बाद में हम यस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, पेमेंट फेल्ड, दिस ट्रांजेक्शन माई वी रिक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर जैसे कि पेमेंट अगर फेल्ड होता है तो उसके कई सारे जो रीजन होते हैं, ठीक है। पर यहां पर जो रीजन दिया गया है वो बता रहे हैं जैसे कि रिक्सी। कहने का मतलब है आप जिस व्यक्ति को यहाँ पर पैसे भेजने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं या फिर पैसे भेज रहे हैं, तो वो आपके लिए यहाँ पर रिक्सी साबित हो सकता है। कहने का मतलब है वो व्यक्ति आपको यहाँ पर हानि पहुँचा सकता है। अब हानि किस तरीके की, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमसे बहुत सारे गेम एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वो वहाँ पर गेम खिलाने के लेकर यहाँ पर पैसे अपने वॉलेट में ऐड करने को बोलते हैं, ठीक है। और कुछ फेक गेम एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं वहाँ पर पैसे ऐड करवा लेते हैं, फिर उसके बाद में ना तो आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से अब ये क्यों बता रहा है, जैसे कि पहले भी काफ़ी लोगों ने इसमें पैसे भेजे होंगे, अब गूगल तो दुनिया भर में चल ही रहा है, ठीक है। तो आपको बता दूँ तो वहाँ पर ऐसे लोग जो पैसे भेज देते हैं फिर गूगल पे से यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पैसा है हमने भेजा है वो हमें वापस मिल जाए, क्योंकि गूगल के थ्रू यहाँ पर भेजा हुआ होता है ये पैसा, ठीक है। तो इसी वजह से वहाँ पर ये रिक्वेस्ट करते हैं। और गूगल क्या करता है ऐसी आईडीज के लिए, तो वो अपनी यहाँ पर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है ताकि आगे से कोई भी ट्रांजैक्शन करे और उनके पास गूगल पे से ट्रांजैक्शन ना जाए, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आप किसी दूसरे का यहाँ पर ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन बहुत ही सफलतापूर्वक हो जाएगा, तो वो भी चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं डिसमिस पर सिंपली क्लिक करते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर कोई भी अमाउंट को ऐड करके देखते हैं, जैसे कि 500 या फिर 50, चलो मैं 50 ही कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं अपना UPI पिन एंटर कर देता हूँ। चलिए हमने UPI पिन एंटर कर दिया है और इस पर हमने सिंपली क्लिक कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं पेमेंट यहाँ पर सफलतापूर्वक हो गई है, पर वो ट्रांजेक्शन इसी वजह से यहाँ पर नहीं हो रहा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा, और फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।